Neelam, and today we are going to learn our 7th political chapter, Federalism. Federalism Hindi means Sanghvad, and we will read federalism that is found in our India. Okay, that kind of federalism that is found in our India. So, kya hai federalism? In simple term, we can say distribution of power. Yani ki power ka distribution hi kya hai? Federalism hai, jahan par power ko decentralized kiya jata hai, shaktiyon ko vibhajit kar diya jata hai. Wo hai federalism. Ab wo vibhajan kiske beech mein hota hai? It is between center government and state government. That is federalism. Aur kon karta hai us power ka distribution? Samvidhan. So, क्या समझे हम फेडरलिज्म क्या है? जहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में और वो किया जाता है संविधान के द्वारा. नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म की विशेषताएं. सो लिसन, जो फेडरलिज्म की जो फीचर्स हैं उनको लेकर जो पॉलिटिशियंस हैं वो एकमत नहीं है. डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपने अलग अलग राय दी हैं, लेकिन उनकी जो कॉमन फीचर उन्होंने बताए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और साथ साथ हम अपने इंडिया के रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो फीचर हमारे इंडिया में है. सो कम टू आर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम, यानी कि हमारे इंडिया में ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम वर्क करता है. कैसे? एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर. सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो उसमें कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट, कैबिनेट, ये हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में होता है हमारे गवर्नर और सीएम साहब होते हैं, हमारी कैबिनेट होती है और लेजिस्लेचर होता है. सो ड्यूअल पॉलिटिकल सिस्टम हमारे इंडिया में वर्क करता है. एक होता है सेंट्रल लेवल पर और एक होता है स्टेट लेवल पर. नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स पावर्स का विभाजन. ठीक है, हमारे संविधान में पावर्स को विभाजित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. वो तीन लिस्ट के थ्रू किया गया है. देयर आर थ्री लिस्ट. फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में हमारे 97 सब्जेक्ट्स हैं, और जो स्टेट लिस्ट है वहां पर 66 सब्जेक्ट्स हैं, और जो कंकरेंट लिस्ट है वहां पर 47 सब्जेक्ट्स हैं. जो यूनियन लिस्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो सब किस में आते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं. और उन पर जो है कानून कौन बना सकता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, लाइक कोई इंटरनेशनल रिलेशन है, डिफेंस है जैसे, ठीक है, इन सब पर कानून बना सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके बाद जैसे स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बनाती है कानून, जैसे हेल्थ इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर. आगे आता है कंकरेंट लिस्ट. इन आर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बताया गया है कि जो कंकरेंट लिस्ट के 47 टॉपिक हैं उन पर अधिकार किसका होगा? सेंटर का ही होगा. तो सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी किसके थ्रू डिवाइड की गई है हमारे इंडिया में? थ्रू थ्री लिस्ट, एंड दीज आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. सो आर नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता. और जरूरी भी है ये. देखो जो हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है. इवन जो हमारी पार्लियामेंट है वो भी हमारे संविधान के सिद्धांतों के अगेंस्ट जाकर कानून नहीं बना सकती. ठीक है, उसको भी संविधान का ढांचा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग ही कानून बनाने होते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही हर कानून बनाया जाएगा. नेक्स्ट आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. रिजिड मीन्स होता है कठोर. जो हमारा संविधान है वो कठोर है, यानी कि उसको इजीली चेंज नहीं कर सकते. जो संविधान है उसको में जो अमेंडमेंट होंगे उसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी. तो इतना इजी नहीं है मतलब कि संविधान में अमेंडमेंट करना, संशोधन करना. नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी. जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो सुपर है, यानी कि सर्वोच्च है. मान लो कोई भी हमारा कानून बनता है, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है,
तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उस चीज को खत्म कर सकता है, उस कानून को। तो जो भी कानून बनेंगे वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही होंगे, संवैधानिक सिद्धांतों के अगेंस्ट जाकर कोई भी कानून इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल। हमारे यहाँ दो सभाएं हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में। सो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय है। नेक्स्ट आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान लिखित है, हमारे संविधान में 395 धाराएं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, सॉरी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, रिटन है। और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। सो हमारा संविधान एक अच्छा खासा विस्तृत संविधान है जो कि रिटन फॉर्म में है। तो हमने फीचर्स किए फेडरल सिस्टम के। अब बात आती है, क्या हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है ढंग से? नहीं, क्योंकि काफी सारे ऐसे क्रिटिसाइजर्स रहे हैं जिसने इंडियन फेडरल सिस्टम की को क्रिटिसाइज किया है। कैसे? उन्होंने कहा है कि जो यूनिटरी फीचर्स इंडिया में पाए जाते हैं ज्यादातर, तो फेडरल कैसे हो सकता है इंडिया का सिस्टम? सो पहले हम आपको बताते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट है जहां पर पावर्स को सेंट्रलाइज किया जाता है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, एक सेंटर के पास पावर होती है, ठीक है। तो या हम ये कह सकते हैं कि सेंटर जो है ज्यादा ही पावरफुल होता है। तो हम इसके फीचर्स लेते हैं। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर इन फेवर ऑफ सेंटर। जो पावर्स का डिवीजन है वो इन फेवर ऑफ सेंटर है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। वो जो डिवीजन है, हमने पढ़ा कि 97 टॉपिक्स किसके अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और उसके बावजूद जो 66 सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उन पर भी कानून बना सकता है सेंटर। सो कैसे है डिवीजन? सिर्फ नाम मात्र का डिवीजन है। वहां पर सुपरवेसी किसकी हुई? सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई, ठीक है। तो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के फेवर में है। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफ गवर्नर। गवर्नर मीन्स राज्यपाल। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और वो राष्ट्रपति के लिए ही उत्तरदायी है। हालांकि वो मुखिया किसका है? राज्य का है, ठीक है, लेकिन वो उत्तरदायी है राष्ट्रपति के लिए। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो एक तरीके से कठपुतली है राष्ट्रपति की, ठीक है। तो गवर्नर की पोस्ट भी यूनिटरी सिस्टम का ही एक फीचर है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि जो स्टेट लिस्ट पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। सो ये भी सेंटर को पावरफुल बना दिया गया यहाँ भी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज वीटो पावर ओवर स्टेट बिल्स। जो राज्य सरकार बिल पास करके कानून बनाती है, उस पर क्या होता है, वो कानून कब बनेगा? जब उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। बट कई बार क्या होता है कि राज्यपाल किसी भी बिल को अपने पास स्वीकृति के, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख लेता है, और संविधान में ये कहीं भी वर्णन नहीं है कि राष्ट्रपति को एक फिक्स समय के अंदर साइन करके वो भेजना होगा वापस राज्य सरकार के पास। सो कई बार वर्षों लग जाते हैं, बिल्स पड़े रहते हैं राष्ट्रपति के पास। सो सरकार जो है अपने कानून बनाने के लिए भी सेंटर पर डिपेंड हो गई। सो यूनिटरी सिस्टम हो गया ये। नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। जैसे कि हम कई बार कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो वहां नेशनलिटी आता है, तो वहां हम ये फिल नहीं करते कि हम हरियाणवी हैं, हम पंजाबी हैं। हम क्या फिल करते हैं? नेशनलिटी
इंडियन, सो सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी यूनिटरी फीचर्स है एक। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल, आर्टिकल 356 जब लागू होता है, ये राष्ट्रपति लागू कर सकता है इमरजेंसी को, तो उस दौरान क्या होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम यूनिटरी हो जाता है एक तरीके से, सेंटर पूरी पावरफुल हो जाती है, जो स्टेट है उसको कोई भी राइट नहीं रहता किसी तरीके के डिसीजन लेने का या किसी तरीके का कोई कानून बनाने का। तो इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं उस टाइम पर भी यूनिटरी फीचर्स काम करता है। इसके बाद आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स ये नहीं है कि हमारे यहाँ की अलग अलग राज्यों का अलग संविधान है और इंडिया का अलग संविधान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि यूनिटरी फीचर्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है सिंगल इलेक्शन कमीशन, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन भी सिंगल ही है, यानी कि एक ही इलेक्शन कमीशन है वो पूरे इंडिया के लिए और अलग अलग राज्यों के लिए भी। नेक्स्ट आता है जो मेन मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टेट्स को, वो है फाइनेंशियली, ठीक है, सरकार को कोई भी काम करना है उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सो अब जो गवर्नमेंट है हमारी जो स्टेट्स की, वो गवर्नमेंट डिपेंड हो जाती है सेंटर गवर्नमेंट पर कि वो जितना फाइनेंशियली उनको देंगे उतना ही उनको मिलेगा। सो वो डिपेंड रहते हैं किस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर। ओके, सो जो क्रिटिसाइजर हैं उन्होंने इन पॉइंट्स को लेकर क्रिटिसाइज किया है इंडियन के फेडरलिज्म सिस्टम को। तो अब क्या कंक्लूजन निकलता है कि क्या हमारा इंडिया फेडरलिज्म है या यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है। हम इतना कह सकते हैं कि जो हमारा मतलब कि इंडिया है फॉर्मेशन में तो फेडरल है, लेकिन उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो यूनिटरी है, ठीक है। सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे, कुछ ना कुछ तो रीजन रहे होंगे उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमारे इंडिया के अंदर। तो सो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि एक नेशनल यूनिटी बहुत मैटर करती है किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो यूनिटी कब होगी, जब सेंटर हमारा पावरफुल होगा, सेंटर पावरफुल होगा तो डिसीजंस जो है वो ज्यादा जल्दी ले सकेंगे, हम डिसीजंस जल्दी ले सकेंगे तो हमारी प्रोग्रेस ज्यादा होगी, ठीक है। सो दैट वाज आवर इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम।